Hello everybody, I'm Krishna Abhishek and you're watching The Kapil Sharma Show. Subscribe to Live Comedy and hit the bell icon. बिहार थे झूठा कल तिहार थे झूठे केस में अंदर था मेरे साथ एक बंदर था यो यो बस स्टैंड हाय हाय कैसी कजाकिस्तान की चुड़ैल उठ के आई है कौन है तू परनाम यो यो बस स्टैंड नाम है इनका यो यो बस स्टैंड यो यो बस स्टैंड कितना टाइम में सीखा है सब रैपिंग बताइए ना कैसे 5 साल 2 महीना में 5 साल 2 महीना सीखे है रैपिंग नहीं नहीं रैप तो हम 2 महीना में सीख गए हैं ऐसा करना 5 साल लग गया फिर हमने इसमें वेल्डिंग करवा लिया वेल्डिंग करा लिए अब तो बड़ा प्रॉब्लम होता होगा किसी से 10 रुपया मांगते होंगे 6 ही मिलता होगा हम बोल कर मांग लेते हैं ए भाई 10 रुपया देना कल वापस कर देंगे ये भी ठीक है लेकिन घर में तो प्रॉब्लम होता होगा कि अपने को लाइट का बटन ऑन करना है साथ में पंखा भी ऑन हो जा रहा ये तो होता होगा कैसी बातें कर रही हैं हम ऐसे की जगह ऐसे ऑन ऑफ करते हैं ये भी ठीक है बहुत स्मार्ट लड़का चूज किया आप भाई आप हमारा चैनल लाइक करना सब्सक्राइब अपने आप हो तीनों काम एक साथ हो जाएंगे बहुत क्यूट है ये गमछा आपका स्टाइल देखो कितना कमाल है ये ऐसा यादगार के लिए गमछा रख सकते हैं नहीं 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 80,000 का गमछा है इसमें तेरा घर मिट जाएगा समझी छेमड़ी के छेमड़ी के अच्छा ये सारा बातें तो होता रहेगा हमारे ऊपर कोई रैप तैयार किए थे ना हमारे लिए सुनाओ ना सभी को ढिक चिक नहीं नहीं ये नहीं रैप रैप आज इसके बाद आएगा ना अच्छा ढिक चिक ढी खेत में ले जाके तुझसे गेहूं कटवाएंगे खेत में ले जाके गेहूं कटाएंगे यहाँ से सीधा पटना ले जाएंगे यो यो बस स्टैंड अच्छा है नहीं रैपिंग अच्छा है पर पटना ही काहे ले जाना है इसके अंदर थोड़ा मालदीव्स डालिए ना पटना में क्या है आपको पता है डॉली जी यहाँ से सीधा घर जाएंगी हाँ पता है तो जब पता है कितनी सुंदर लड़की यहाँ से सीधा घर जाएंगी तो आपको मालदीव बोल के शर्म नहीं आई ये सही था इसका ऐसा कैसा बात कर रहे हैं आप हमसे धोखेबाज टाइप के तो नहीं है ना धोखा नहीं देंगे ना हमें अरे नहीं नहीं हम इज्जतदार आदमी हैं जब हम अपनी बीवी और बच्चों को धोखा नहीं देते तो तुमको क्यों धोखा देंगे बताओ बीवी और बच्चे हैं आपके हमको तो बोले थे सिंगल हैं अरे नहीं नहीं सिंगल बोले थे सिंगल जो गाना गाते हैं सिंगल भुवन भैया जैसे क्या प्रॉब्लम ये है ना कि हम र नहीं बोल पाते हैं या भी तो बोला र नहीं नहीं जब समझाना होता है तो बोल देते वैसे नहीं बोल पाते हैं एक बार क्या हुआ हम अपनी बीबी को बोले चलो सुहाग लात मनाते हैं चाल लात माली में लेको आप एक काम इधर आइए हाँ एक काम कीजिए आपका जो घर है ना हाँ? उसमें जो सोफा कुर्सी वगैरह सब है ना वो 3 महीने के लिए कहीं भाड़े पे दे दीजिए क्यों क्योंकि अभी जो हम आपके साथ करेंगे ना आप 3 महीना बैठ नहीं पाएंगे नहीं नहीं दीक्षित जी जो सुना है शादी शुदा है रैप नहीं रैपटा देंगे आपको आप लोगों की कुछ फोटोग्राफ्स जो आप अपने फैंस के लिए डालते आए हैं देखते हैं उनके नीचे कितने मजेदार कमेंट्स आए हैं ये डाला है भुवन ने फोटो पूरा ऐसे लिखा हुआ है अवे फ्रॉम द इंटरनेट वर्क सिटी लाइफ एंड ऑल द हसल बसल आई स्पेंड अ फ्यू डेज इन द जॉर्ज रहन दो यार आगे कमेंट्स पढ़ते हैं इतनी इंग्लिश कम पढ़ो अपने जूस शॉप के लिए मुझे एक लड़के की तलाश है जो गन्ना छील के मशीन में डाल सके अगर आप अवेलेबल हो तो DM करें लग रहा है कि तू गन्ना उसमें डाल रहा है आपने बड़ा बारीकी से देखा ना हाँ
ऐसा ही होता है भुवन भाई, बॉल गुम होने के बाद सब बच्चे तो अपने अपने घर चले जाते हैं, वही ढूंढता है जिसकी बॉल होती है। ताड़ी की तलाश में जंगल जंगल फिरता मनुष्य। ओहो ये और दिखाइए। ओ कम ऑन ब्रो, पीपल हु डन ऑल रॉन्ग विल फॉरएवर थिंक दैट इज अबाउट देम। यार ये अलग सी इंग्लिश है ये। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। पहले मुझे लगता था सिर्फ शशि थरूर की इंग्लिश समझना मुश्किल है। आपका कैप्शन पढ़कर लगता है आपकी भी समझना मुश्किल है। जोश जोश में इन्होंने अपनी टी शर्ट ऑडियंस में फेंक दी, अब ये वापस मांग रहे हैं। एमसी स्टैन भी लाइक, भाई गेट के बाहर जिसकी भी लाल सेडान खड़ी है उसको हटा ले, अपना ऑटो लगेगा। और दिखाइए, शो के बाद बालों से बीटरूट जूस निकाल के पिएंगे। और दिखाइए, रियल हर्ष गुजराल, कोई फेक हर्ष गुजराल भी है। दैट स्माइल व्हेन यू सी योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विद वाला मैसेज ऑन योर फोन। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। वैसे क्या सैलरी का मैसेज आया था, बैंक से आया था? वो नहीं, वो वाला आया था, वो 5 रुपए नहीं आते पाजी वहां से? कहां से? गूगल पे से आ जाते हैं। कैशबैक, कैशबैक उस पे डाला था। बंदा कितना भी कमा ले मगर 100 रुपए कैशबैक आ जाए तो ज्यादा खुश होता है। लगता है लड़की ने इन्हें अपनी लोकेशन शेयर की है इसलिए खुश है। मैं जब मीटिंग में होता हूँ मेरा ड्राइवर भी ऐसे ही रील्स देख देख के टाइम पास करता है। और दिखाइए, इनका पेमेंट आ गया है, अब ये टपरी वाले को इस महीने का सारा उधार चुका देंगे। और दिखाइए, डॉली ने ये पिक्चर डाला, फर्स्ट पिक्चर मी विद माय फ्रेंड्स, सेकंड पिक्चर माय फ्रेंड्स लेफ्ट मी हैविंग द बेस्ट टाइम हियर इन बायरन बे ऑस्ट्रेलिया। दिखाइए नीचे कमेंट्स। माफी चाहूंगा मैडम पर मैं ये फोटो आज नहीं कल लाइक करूंगा, ट्यूजडे को मैं चिकन अवॉइड करता हूं। इसको हक था भाई, इसको हक था भाई। पहली लड़की देखी जो फोटो के टाइम कैमरा में नहीं देख रही है, पक्का ये मुर्गी उठाने का मौका देख रही है। ऑस्ट्रेलिया की कोई बिल्डिंग दिखाओ, मुर्गियां देखकर लग रहा है आप नासिक के पोल्ट्री फार्म में हैं। और दिखाइए, कैसे पता चलता है कौन सा मुर्गा और कौन सी मुर्गी है? किसने रिप्लाई किया, जो आगे आगे चल रही वो मुर्गी, जो पीछे पीछे चल रहा है वो मुर्गा। और दिखाइए, भुवन ये क्या क्या साबित करने की कोशिश कर रहे हैं? बीमार थे? हाँ, कोविड था। कोविड हो गया था? हाँ। क्या बात कर रहे हो? तीन बार कोविड हुआ? या मुझे 2 बार। कंपटीशन नहीं है भाई। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। भाई कितनी भी बॉडी छुपा ले मच्छर फेस पे नहीं, सही जगह चुन चुन के काटेंगे। पीजी में जब रूममेट की गर्लफ्रेंड आती है तब मैं भी ऐसे ही दूसरी तरफ मुंह करके लेट जाता हूं। और दिखाइए, योर ओपिनियन इज नॉट माई रियलिटी। आइए नीचे कमेंट। अच्छा लॉकेट कितना अच्छा पहना, हिंदी वाओ। आज नहीं पहना? नहीं भाई, वो थोड़ा उसका थोड़ा वो निकल गया है वापिस। अभी थोड़ा ये वाला चालू करेगा। ओ रुपया थोड़ा चालू है भाई, पेटी आ रही ले तो वाला, पैसे आ रहे तो पैसे बनाते। नहीं क्या बात है ब्रो, गॉड ब्लेस। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। भाई अपनी मर्जी से झुके हो या चेन के वजन से झुके हो? क्या पब्लिक। बाल की वजह से जूता वाइट लिया है या जूते की मैचिंग के लिए बाल वाइट किए हैं? भाई 80,000 के शूज में अगर सिलाई निकल जाए तो गली में ठीक करवाते हो या सर्जन के पास जाते हो? क्या हेड़ बका रहे भाई। और दिखाइए, बिल्कुल गलत मत सोचना दोस्तों, इंटरनेशनल ऑडियंस आई थी शो में, बाकी ऐसा कुछ नहीं है, विदेशों से लोग आने लगे जैसे US, UK, रशिया। खैर छोड़ो, थैंक्स फॉर ए वंडरफुल शो। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। गुजराल साहब ये सब करते हो आप बाहर जाके? इस फोटो में सेलिब्रिटी कौन है, आप या लड़की? लग रहा है हर्ष ने उसके साथ खिंचवाई है। सच में है ना? ऑडियंस नहीं है वो,
अच्छा मैं एक जगह खाना खाने गया था, वहाँ रिसेप्शन पे थी, मुझे बहुत अच्छी लगी। गोरे लोग कितने सीधे होते हैं, कोई भी आदमी अपने आप को सेलिब्रिटी बताता है तो मान लेते हैं। आपने तीन देशों के नाम लिखे हैं, यूएस, यूके, रशिया, बाकी दो देश के लोग कहाँ हैं उसका भी हिसाब दें। हिसाब दो भी बाकी दोनों का है। और दिखाइए, लो जी डॉली सिंह आ गई हैं। यार मेरी कोई खूबसूरत फोटो नहीं चूज करे यार। हाँ वो तो फिर है ही है। तुम डालो, हम चूज करेंगे। शाबाश, क्या बात है, वाह वाह वाह। गाइस माय फर्स्ट टाइम इन बिजनेस क्लास विजिटिंग ऑस्ट्रेलिया फॉर द T20 वर्ल्ड कप विद टूरिज्म ऑस्ट्रेलिया। आप क्रिकेट की फैन है? हाँ। तो आपने खुद बिजनेस क्लास की टिकट ली वर्ल्ड कप देखने के लिए? नहीं नहीं, मुफ्त की थी। किसने स्पॉन्सर किया आपको? टूरिज्म ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, वाह यार, हमें तो देते ही नहीं। हमें भी नहीं भाजी, ऑस्ट्रेलिया टूर करने का इतनी सिक्योरिटी है। हमें दिल्ली की नहीं दे रहा टिकट। अच्छा फिर ऑस्ट्रेलिया टूर करने का इतनी सिक्योरिटी है, एयरपोर्ट पे 3 बार तो कुत्ते सूंघ के चले गए मुझे। क्यों? वो आते करने जाते, मुझे लगा इनका कोई पेट होगा, मैं ऐसे ऐसे करने लगा, वो तो कहती है ध्यान से ऑफिसर है ये। मैं ऑफिसर है। तीन कुत्ते सूंघे, 2 औरतें सूंघ गई, उसके अलावा 3 मर्द सूंघे। और रोक के क्यों रखा हुआ? क्योंकि जूतों में मिट्टी लगी हमारे। अच्छा, मिट्टी अलाउड नहीं है वहाँ पे बाजी। हाँ, एक्चुअली हाँ, मिट्टी, सीड्स, ये सब चीजें रोक रखा था। और बाहर सड़कों पे कर भी नहीं सकते, ये बड़ी प्रॉब्लम है वहाँ पे। $500 फाइन दिया, 25,000 का सुसु करके। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। लगता है बगल वाली सीट की फ्री कॉफी भी ने मिल गई तभी खुश है। मैम इतना खुश मत हो, ये बस नहीं प्लेन है, अपना सामान रख देने से वो सीट आपकी नहीं हो जाती। और दिखाइए, मुझे तो आज पता चला बिजनेस क्लास में सीट के साथ नल भी लगा हुआ होता है। अबे नल नहीं, वो लैंप है। हाँ जी, और दिखाइए। खत्म यार, इतना मजा आ रहा था। अच्छा भुवन की हाल में एक वेब सीरीज आई, उस सीरीज में एक लड़की इनको पूछती कहाँ जा रहे हो, ये कहता है औकात से बाहर। भुवन कभी लाइफ में वैसे काम किया है जो आपको लगा यार ये ज्यादा हो गया, अपनी कैपेसिटी से ऊपर की बात हो गई? अरे यार, लव यू ब्रो, ये मुझे आज तक लगता रहता है। वो किस्सा मैं भूल नहीं सकता। उफ, क्या? कौन सा? एक ब्रांड आया और ब्रांड ने बोला जी काम करना है, यहाँ का नहीं था ब्रांड, बाहर का ब्रांड था। अच्छा। तो उन्होंने बोला कुछ अलग करना है हमें, तो हमने कहा ठीक है बताओ क्या करना है। कह रहे आपको 15,000 फीट से छलांग मारनी है प्लेन से, और आपको वर्ल्ड की top 10 न्यूज पढ़नी है। स्काईडाइविंग करते करते न्यूज पढ़नी है। सुनेगा कौन वो न्यूज? प्रॉपर रिकॉर्ड करेंगे हैं। सेल्फी स्टिक लेके कूदना है। ओ माय गॉड। जो हेलमेट है उस पे गोप्रो लगाए, बॉडी पे 2 कैमरास लगे सेफ्टी के लिए, जो प्लेन था जो ऊपर जा रहा था उसमें अलग अलग जगह कैमराज रिग्ड है, सब जगह कैमराज लगे हुए। मैं बड़ा एक्साइटेड, मैंने कहा यार ये तो ऐसा हो जाएगा, पाथ ब्रेकिंग सा हो जाएगा, किसी ने किया नहीं आज तक, मजा आएगा। तब मैं चश्मा पहनता था, दिखता नहीं था मुझे चश्मे के बिना। तो वहां गया और खाली एयरपोर्ट, खाली मिनिस्टर्स के लिए होता था, तो बाहर जाके विदेश में इधर अपना मैसूर में। अच्छा हाँ, तो वहाँ गया मैं, उन्होंने पहले मुझे कॉस्ट्यूम पहनाया, और कॉस्ट्यूम पहनाते हुए उन्होंने बोला इन इन जगहों पे साइन कर दो। और वहाँ चेक करना था मुझे कि कुछ हो गया तो मेरी जिम्मेवारी नहीं है, कुछ हो गया तो ये नहीं है वो नहीं है। 55-56 साइन थे उसमें। माय गॉड, 4th-5th साइन के बाद मेरी हालत खराब होगी शुरू हो गई। मैंने कहा यार ये तो हर चीज में हाथ खड़े कर रहे हैं, तो मैं करूंगा क्या इसमें। फिर उन्होंने कॉस्ट्यूम पहनाया, फिर उसने जिप लगाई, वो जिप यहाँ से खुल गई। अच्छा। मैंने कहा आपका गियर सही नहीं है जी। मैंने कहा ये बहुत प्रॉब्लमेटिक है। कह रहे नहीं हो जाएगा, मोमबत्ती लगा रहे थे, मोमबत्ती रगड़ने लगे इधर। बाप रे। मैंने कहा यार तो काम चल रहा है काम, मोमबत्ती रगड़ी। फिर वहां मैं गया, वहां पोस्टर लगा था जिसमें लिखा था 99.8% सक्सेस रेट। पॉइंट टू कहाँ है, बताने के लिए तो है नहीं इधर। तो हुआ क्या था तुम ही बताओ। कह रहे नहीं सर वो कुछ मिसहैप हो गया था, बट दे लैंडेड सेफली। अब मैं चलता हुआ, मैं वीडियो, वो सेल्फी स्टिक थी तो ये बनाता हुआ मैं जा रहा हूँ, वो ATR प्लेन, छोटा सा प्लेन। अब बैठा उसके अंदर और मेरे साथ था एक रशियन इंस्ट्रक्टर। अच्छा। जिसको कुछ नहीं आता बोलना, ना इंग्लिश आती, हिंदी नहीं एक्सपेक्ट कर सकते उनसे आप। उनको 2 चीज आती थी, रेडी रेडी, अच्छा नॉट रेडी, रेडी नॉट रेडी।
अब उसको पता था बीबी है, इजी है उसके लिए, बीबी रेडी, बीबी नॉट रेडी, बस। और मैंने बोला ये कूदेगा ना साथ में, कह रहा हाँ ये आपको जिप करके आपके साथ ही कूदेगा नीचे। मैंने ठीक है चलो बढ़िया। अब प्लेन में बैठा, अब वो छोटा प्लेन 15,000 फीट जाने के लिए उसको 40-45 मिनट लगते हैं। ओह माय गॉड, जितनी मेरी एक्साइटमेंट थी पहला बादल आया वो एक्साइटमेंट गायब हो गई मेरी। और वो सर हमारे चला रहे थे जो पायलट थे, और वो प्लेन घड़ 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 करते करते गया ऊपर। अब फर्श भी नहीं दिख रहा, कुछ नहीं दिख रहा, सिर्फ बादल दिख रहे हैं। माय गॉड, मैंने कहा ये क्या हो गया मेरे साथ। फिर मैं बैठा और इतने में सोच रहा हूँ कि अच्छा चल ठीक है, ऐसे बोलूंगा वैसे बोलूंगा, इतने में बीबी रेडी। मैंने कहा या रेडी कम, मेरे को यहाँ बैठना था। वो मुझे जिप करता और साथ में कूदता। अब उसने जिप किया और अब 15,000 फीट पे आ चुके हैं। अब वो फट्टा होता है बाहर प्लेन के, उस फट्टे पे जाके वो पता नहीं क्यों 30 सेकंड खड़ा रहा मेरे साथ, और मैं वहाँ उसके साथ हूँ, वो पीछे है जिप करके मेरे को खड़ा है, और मेरे आंखों के सामने सारे कुकर्म जितने भी मैंने जीवन में मैंने जितने भी मैं ऐसे खड़ा हूँ। मैंने कहा खत्म, यहाँ से कुछ नहीं है वापसी, इधर से कुछ नहीं है। और अब ये भी नहीं सोच रहा मैं कि खबर पढ़नी है, अब मेरे को ये लैंड करना है बस सेफली। और इतने में मैं कुछ सोच ही रहा हूँ, उसने ऐसे पुश कर दिया मुझे। अब मैंने फिजिक्स नहीं पढ़ी कभी लाइफ में। अच्छा, मुझे लगा आराम से गिरूंगा, वादिया देखते हुए जाऊंगा। वो ऐसे 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 फ्लिप करता हुआ और मैं बेहोश। बेहोश हो गए? क्योंकि क्योंकि मैं चश्मा लगाया था अपना जो मैं पहनता हूँ, उसके बिना दिखता नहीं मुझे। उसके ऊपर ग्लासेस थे, अच्छा स्काई डाइव ग्लासेस। उस चक्कर में वो वाला चश्मा नाक पे लग गया और नाक दब गई, तो नाक से सांस नहीं आ सकती और मुंह से वैसे नहीं आ सकती सांस, क्योंकि आप इतनी फोर्स से नीचे आ रहे हो। तो मैं बेहोश हो गया, थक करके आवाज यही गाल पे। वो 10 सेकंड से उठा रहा था मुझे। बीबी बीबी इतनी जोर से मारा उसने, वो कह रहा है तेरा सेल्फी स्टिक मैं पकड़ के बैठा हूं तब से, ये तेरा काम है। फिर उसने मुझे थप्पड़ मारा, मैं ऐसे आया और उसने मुझे वो दिया सेल्फी स्टिक। अब मैं सेल्फी स्टिक पे खबर पड़ी, जैसे जैसे हुई खबर, फिर जब लैंड किया तो मुझे लगा कि चलो ठीक है हो गई खबर वबर सब बढ़िया है। और इन्होंने मुझे बोला था कुछ खा के मत जाना वरना उल्टी आ जाएगी। हाँ। तो उस चक्कर में मैं सोडा पी के गया था थोड़ा सा, लैंड किया। अब मैंने कहा यार मुझे भूख लग रही है, मेरे को ना पागलपना हो रहा है, मेरे सर में दर्द हो रहा है बहुत, तो प्लीज मुझे चाउमीन वाउमीन दे दो, कुछ मस्त खा रहा हूँ और सोच रहा हूँ कि बच गया आज, कुछ तो कृपा रही होगी। और मैं खा रहा हूँ चाउमीन, इतने में रोहित आता है साइड से, फिर से करना पड़ेगा। मैंने कहा क्यों? कह रहा एक भी कैमरा ऑन नहीं था। उसके बाद भी नहीं मुकर सकते आपकी, मैंने तो कर दिया एक बार। एक तो कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना नहीं सिखाया किसी ने आज तक। कॉन्ट्रैक्ट में वो एस्टरिक्स लगे होते ना, उसके अंदर ही होते सारे मेन क्लॉज। उसमें था कि मिनिमम 2 बार करना ही है। मिनिमम 2 बार? फिर वही आप सोचो, ये जो एक्सपीरियंस था मेरा ये फिर हुआ। तो जो फाइनल वीडियो है यूट्यूब पे वो दूसरा टेक है। अच्छा, उसके बावजूद उन्होंने बोला कि आ जाओ डब करने के लिए। अच्छा, मैंने क्या डब करोगे? कह रहा प्लेन से कूदने की आवाज। मेरी बड़ी तमन्ना है कभी वो करने की। यूएस भी गए तो हमारी टीम में एक लड़की थी, वो करके आई तो उसने किया, वो हमें फोटो दिखाया। मैं कहा वेरी नाइस, आई वांट टू डू। कहती आई विल फिक्स फॉर यू टुमारो। मैं कहा नहीं नहीं, इतनी जल्दी भी नहीं, आने वाले समय में कभी करेंगे। तो कितनी देर में नीचे आ जाता बंदा 15,000 फीट से? क्या पता, 10 सेकंडों में सो गया था। 7-8 मिनट होंगे पता नहीं, मेरे को ऐसे याद नहीं। बड़ा मुश्किल काम है यार। डॉली आपके बारे में सुना है, आप किसी का भी एक्सेंट पकड़ लेती हैं? हाँ, अर्चना जी का एक्सेंट पकड़ेंगे आप? दो डायलॉग बोलने हैं आपको अर्चना जी के एक्सेंट में। मेरे सिद्धू जी आएंगे, धरती का सीना फाड़ के आएंगे आप। मेरे सिद्धू जी आएंगे, धरती का सीना फाड़ के आएंगे। बहुत बुरी कॉपी थी अर्चना जी, बुरा। ये तो ऐसा लग रहा है कि सिद्धू खुद बोल रहा है। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।